अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एनईडी का जो सेकंड टेस्ट हुआ है जिसमें आज डे वन जो एमसीक्यूज आए हैं मैथमेटिक्स के, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो लेट होने का मकसद और उसका रीज़न ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने मैसेज किया तो वो यही कह रहे हैं कि सर एमसीक्यूज याद नहीं है, लेकिन मोस्टली जो एमसीक्यूज थे वो टेस्ट वन से थे। और मैंने अपनी एक वीडियो सेकेंड टेस्ट स्टार्ट होने से पहले भी अपलोड की हुई थी, जिस पर 2K अराउंड व्यूज़ थे, और उसमें मैंने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके एमसीक्यूज रिपीट होंगे और क्यों होंगे, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% रिपीट हों, लेकिन कुछ एमसीक्यूज नए भी आएंगे, लेकिन रिपीटेशन होगी, ज़रूर होगी। तो काइंडली आप टेस्ट वन के जो एमसीक्यूज की वीडियोज़ हैं वो देख लें, ताकि आपका आप जब भी टेस्ट देने जाएँ तो उससे पहले वो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके स्कोर अच्छा आ जाए। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियोज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो पहला एमसीक्यूज ये है कि इंटीग्रेशन एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब एंगल का हमेशा डेरिवेटिव आपने देखना है, एंगल का डेरिवेटिव है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे, सही है, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। अब मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ, अब मैं कॉट एक्स स्क्वायर के ऊपर जो भी कॉट का फॉर्मूला है वो लगा सकता हूँ। तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, सही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया। और कॉट का फॉर्मूला होता है ln sin, और जो भी कॉट का एंगल है वही एंगल बन जाएगा, प्लस सी, सही है भाई। सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, तो अगर किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर कोई आपका वेरिएबल आ जाए जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है कि ax आप ऐसे लिख देंगे ln a प्लस c। अब देखें मैं भी सेम काम करूँगा, ln a क्या था, यानी मेरा कांस्टेंट था, यहाँ 2 क्या मेरा कांस्टेंट, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और 2a की पावर x। लेकिन अब ये देखें यहाँ पर x था, सही है, x का डेरिवेटिव 1, इसी तरह इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या है, ax का डेरिवेटिव a आएगा प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा, सही है। देखें विद इन मिनट्स जो है ना एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को काइंडली देखिएगा कि जितने भी इन चीज़ों को अच्छे से जो है ना इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। fx अच्छा, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, और ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दी हुई है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ, देखें x है ना, x की जगह -1 है, और जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन की यानी fx की वैल्यू 3 है, तो ये -3 है, आई थिंक -3 है, देख लें, देख लीजिएगा, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो जो मैंने लिखे। अगर मैं इसको 3 ले लूँ, -1 पुट करूँगा x की जगह पर, तो ये हो जाएगा -a -b -5। तो मुझे क्या निकालना है, a - b निकालना है। तो मैं ये वाला फंक्शन मेरे किसी काम का नहीं है, सही है। अब मैं ये वाला फंक्शन पुट करूँगा, क्यों, ये फंक्शन क्यों नहीं काम का, क्योंकि देखें a - b निकालना है, यानी a की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर a की साइन नेगेटिव है, b की तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, तो मैं कुछ भी कर लूँ a की साइन पॉजिटिव बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं a को पॉजिटिव बनाऊँगा तो b भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए मुझे ये वाला फंक्शन पुट करना पड़ेगा, ये फंक्शन यूज़ करना है। प्लस 1 अगर पुट करता हूँ मैं इस वाले में, तो देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3, और प्लस 1 पुट करूँगा तो a आ जाएगा, x की जगह पर 1 पुट करना है, प्लस 1, सही, -b प्लस 5, a - b आ गया यहाँ पर, a - b। अब सॉल्व आउट कर लें, कांस्टेंट को आप जो है वो अपनी लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो a - b की वैल्यू हो जाएगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, फोसाई निकालना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा आपकी राइट साइड 1 होनी चाहिए, तो 9x² / 144 16y² / 144, तो ये 1 हो गया, 9/144 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा ना, बनेगा 16, तो ये x² / 16 y² / 9, तो बड़ी जो भी बड़ी वैल्यू होगी ना वो हमेशा a² कहलाती है, तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, फॉर्मूला क्या है, a² - b² = c², तो मुझे c की वैल्यू चाहिए, नॉट c², 16 - 9, और अगर मैं रूट ले लूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो c आ जाएगा आपका 7, √7, तो फोसाई क्या आ गया, √7, सही है भाई, फोसाई की वैल्यू भी आ गई। और अब आप ये देख लें, लिमिट वाला भी क्वेश्चन आ गया,
ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल चेंज थे, और मैंने इसमें रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नहीं ऐड किए, जबकि वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं और आए भी हैं आज के टेस्ट में, लेकिन मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसी वजह से ऐड नहीं किए। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये देखें, जब भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप फंक्शन में फंक्शन को देखेंगे, अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा ना, तो ये 1/0 बन जाएगा, यानी इस तरीके से 1/0। और ln इन्फिनिटी सॉल्व करना, दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डेरिवेट कर दें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपका फंक्शन अगर आपको जो लिमिट वाले क्वेश्चन हैं, अगर आपको उसमें जब आप इन लिमिट्स पुट करें, तो आप लिमिट पुट करने के बाद आंसर में इन्फिनिटी आ रहा हो तो आप इन डेरिवेट करेंगे। ln x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1। अच्छा, इन क्वेश्चन में ना डिवाइड वाले या मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के नहीं लगाते, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर डेरिवेट कर दिया, नीचे वाले को नीचे से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जस्ट सिंपल डेरिवेट कर दिया। x का डेरिवेटिव 1, ln x का 1/x। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये बन जाएगा 1/x, और 1/x पर जब लिमिट पुट करेंगे ना, तो इस तरीके से करेंगे ना, इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है 1/0 के, तो 0 जाएगा ओपन न्यूमिनेटर में, तो आंसर बन जाएगा 0। ये आपका आंसर बन गया 0। अच्छा जी, ये तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको फॉर्मूला उठा के दिया हुआ है। डेरिवेटिव में अब क्या करना है, सिंपल तो है, इस तरीके से होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये जी ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। जस्ट ये इतना आसान सा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है इसमें, यानी आपका जस्ट आपने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप जो ऑप्शंस हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं मालूम। तो ये याद रखें कि क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इवन फंक्शन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आया हुआ है, तो अब इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। सही है, अब स्टूडेंट को ऑप्शंस तो याद नहीं थे, दायरे चारों ऑप्शन याद करना, दैट्स डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट, और वो फिर ज़ाहिर है वो अपना टेस्ट कर रहा होगा तो कैसे याद रखें, हमें शेयर करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया स्टूडेंट्स से। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है और हमें डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लें, 4x³ हो जाएगा, 6x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर अब डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी इसी पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इस पे डबल दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो 4x³ का 12x² सही है प्लस 6, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन में, ये आंसर होगा। अब जो रिमेनिंग MCQs रहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगा कि आज ही उनको सॉल्व करके आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर दूँ। अगर लेट होता है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना के उस पर सॉल्व करूँ, क्योंकि ये जो काम जिस तरीके से मैं लिख रहा होता हूँ, इससे वीडियो की तो क्वालिटी बड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, और मुझे ये काम पर्सनली ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें एक एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि टाइम सेव हो जाता है, और वो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है जो कि पावर पॉइंट्स में लगती है, वहाँ प्रॉपरली फिर पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, फिर अपलोड आपकी वीडियो आपको बनानी पड़ेगी, फिर आप अपलोड करते हैं। तो इसमें यह कि जैसे आपने क्वेश्चन उतारे और अपलोड कर दिए, तो बाकी आप भी बता सकते हैं कि आपको कैसा बेस्ट लगता है। मेरे लिए थोड़ी आसानी इसमें ये हो जाती है कि मेरा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि बाकी जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना वो भी चल रही होती हैं साथ में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाऊँ, फिर उनको एक्सप्लेन करूँ, फिर वीडियो अपलोड करूँ, इस वजह से मैं डायरेक्टली ये काम मेरे लिए आसान रहता है। तो देखते हैं फिर कि क्या करना है, अगर MCQs कम होंगे तो फिर इंशाल्लाह स्लाइड्स बनाते हैं और फिर उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाकी आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लाजमी शेयर कर दें, ताकि क्योंकि मेरे पास जो अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो कि न्यू क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिल रहे हों, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल मेरे पास अभी आया नहीं है। तो काइंडली आप भी शेयर कर दें ताकि आपकी हेल्प हो जाए, मैं सॉल्व करके आपको डिस्प्ले करता रहूँ। खुदा हाफिज़।